खेड़ दापोली। तो ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ में, हमारा गांव एक्सप्लोर कीजिए और देखिए ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस क्या होता है बारिश के दिनों में। ये रहा रोड, पनवेल टू पेन के बीच का रोड है। ये देखो माशाल्लाह से कितना अच्छा रोड बना है, कॉन्क्रीट पूरा रोड बना है। चलो आगे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। रोड खाली है, देखो कितना मस्त रोड है यार। नंबर पाया है इसने ट्रिपल वन। मैं माजी लगता है इधर भी आके माउंटेन काट के गया है, लेकिन रोड बेहतरीन है। अभी तक हम लोग पेन पहुँचे नहीं है, पेन से आगे बढ़ते हुए पेन छूट गया है, फिर भी माशाल्लाह रोड कंक्रीट का कंक्रीट ही है। देखो पेन के बाद का रोड है, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं अभी तक नहीं मिली है। पनवेल से निकले हैं, अभी तक बारिश नहीं मिली है। आमद आ गया हमारा फेवरेट क्या बोलेंगे हॉल्ट रेस्टोरेंट। ना भूख लगी थी कि वीडियो लेना ही भूल गए, डायरेक्ट टूट पड़े। मिसल पाव, मसाला डोसा, वड़ा पाव मेरा फेवरेट ऑल द टाइम। तो अहमद रेस्टोरेंट से आगे चला गया। रोहा के बाद में भी कॉन्क्रीट रोड है पूरा। और ये रही कोकर रेलवे, ये हमारे गांव से होते हुए जाती है खेड़ अंजनी। आ गया मान गाँव, देखिए रोड देखो एकदम एक। मान गाँव का थोड़ा मार्केट देख लो, इधर हाजी पाला अगर मस्त फ्रेश गोल्ड सुख नहीं है। गाँव के बाद का भी रास्ता एकदम परफेक्ट देखो। खेड़ 60 किलोमीटर बता रहा है और अभी तक रोड की कंसिस्टेंसी ऐसी है कि लोग ने कंक्रीट ही बिछा के रखा है। कहीं पे ब्रिजेस आ रहे हैं वहाँ पे सिर्फ असफल्ट है, डामर का रोड है, खड्डे खुड्डे हैं ओली ब्रिज एरिया में। अदर देन ब्रिज पूरा रोड ऐसे ही मस्त एकदम प्लेन। पहाड़ क्रॉस कर लिए खेड़ की तरफ बढ़ते हुए। ग्रीनरी देखो भाई, अब आने वाला है टोल, बहुत ही जल्द लगने वाला है टोल। पता नहीं कब लगता है, कितना लगता है देखते हैं। अरे घाट शुरू हो चुका है जैसा आप लोग देख सकते हैं, घाट के रास्ते देख लो। ऐसा भी लग रहा था कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे बारिश वहाँ पे होके चली गई है। बाकी तो सीनरी तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किए भाई। पूरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में बहुत एंजॉय किए हम लोगों ने। ये रोड चालू होने वाला है, ये देखो ये वाला टन आ गया, डेंजर वाला टन। इधर थोड़े खड्डे हैं ये टन में। कलमाची लाल माटी आई आ गई, लाल माटी आ गई। चलो आगे के सिटी में घुसे तो
कौन कौन रहता है भाई खेड़ में, टैग करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। खेड़ से हम लोग नीचे जाते हुए और देखो भाई पूरा थिएटर ही बुक कर दिया है मैंने, जैसा आप देख सकते हैं पूरी सीट्स खाली है। और हम लोग ओवर नाइट रुके थे खेड़ में और हम निकल पड़े खेट उदापुली। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छे घर भी थे, इसकी वजह से थोड़ी सी शूटिंग कर लिया घरों की। जी जी इसका घर है, अपना अपना घर पहचानो, कमेंट्स में डालो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिसका गांव है भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपने गांव के नाम डालो और बीच बीच में कौन से गांव मिस हुए हैं वो भी कमेंट में डालो। एक्चुअली मैप इसलिए भी लगाया क्योंकि थोड़े डेंजर टर्न आते हैं तो थोड़ा हमें पता चल जाता है पहले कि अभी यू टर्न है या जो कुछ भी डेंजर टर्न है। और ये हम लोग एंटर हो रहे हैं दापुली में और ये रहा दापुली का बस स्टैंड। भाई जी जी साहब को लाइक करना है, लाइक करो अपने बस स्टैंड को, फॉलो करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और थोड़ा सा खा पी के हम लोग निकल पड़े हैं दापुली टू हरनई। यस स्पॉट है ये हरनई बहुत ही। और ये हम लोग एंटर हो रहे हैं पर्यटकों के गांव में हरनई, और आगे चल के मैं आपको बीच भी बताऊंगा हरनई का जो कि बंद है बारिश की वजह से। फिर भी मैं आपको पुराने मेरे फोटोज वीडियोस अपलोड करके शो करता हूँ कि यहाँ पे कितनी भीड़ रहती है, यहाँ पे कितना बिजनेस होता है फिशिंग का। जैसे मैंने पहले भी बता चुका है ये टूरिस्ट स्पॉट है और ये देखो सारे होटल्स को भी पहाड़ पे एकदम टॉप पे, देखो कितनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे। अच्छा खासा बिजनेस है फिशिंग का, मैं आपको आगे मैं बताता हूँ, चलो देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं। तो हर नहीं ये रहा हरने का बीच, ये पूरा भरा हुआ रहता है, पूरा शिप से पूरा भरा हुआ रहता है। आप गर्मियों में बारिश छोड़ के कभी भी आओ आपको ये पूरा भरा हुआ मिलेगा, पूरा फिशिंग का बिजनेस ऑप्शन, एक से एक फिश मिलेंगे देखने के लिए स्पेशल। और यहाँ का हेलीकॉप्टर पॉइंट के बिल्कुल बीच पे ही है ये हेलीकॉप्टर पॉइंट, और इधर ही पूरे शिप और इधर ही बोट्स खड़े होती है जब फिशिंग होती आती है, तभी इधर ही ऑप्शन होता है, सब कुछ इधर ही होता है बीच पे। आप अगर जाएंगे तो आपको एक्सप्लोर करने मिलेगा। और ये जो मैं किला बता रहा हूँ समंदर के बीच में है, ये शिवाजी महाराज का किला है। यहाँ पे अंडरपास भी रास्ता है लेकिन ये बंद करके रखे लोगों ने बहुत टाइम से ड्यू टू सेफ्टी इशू, और बोट वगैरह भी बीच में जाती थी वो भी फिलहाल बंद करके रख दिए हैं। तो चलो करते हैं एक्सप्लोर बीच, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं फिशिंग का। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी।
इलाके में इससे भी बेहतर वीडियो आपके सामने ला सकूं अपने गांव के, विलेज के, कोकन के। Bye.